नमस्कार सक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। देश के अन्य भागों की तरह यहाँ भी रामनवमी का त्यौहार पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। खासतौर पर कश्मीर घाटी में जिस तरह भव्य शोभा यात्राएं निकली, मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी, शंख और ढोल मजीरे बजाते हुए भक्तों की टोलियाँ नाचते गाते मंदिरों की ओर चलीं। शंकराचार्य मंदिर में दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वह सब दर्शाता है कि आज घाटी में हिंदू भी अपने धार्मिक पर्व पूरे उत्साह के साथ मना पा रहे हैं। श्रीनगर की ही बात करें तो जब भव्य शोभा यात्रा निकली तो आसपास के लोगों ने भी इसमें भाग लिया और भक्तों का स्वागत किया। कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई शोभा यात्रा पुराने शहर के जैंदर मोहल्ला से शुरू होकर हब्बा कदल, बरबरशाह, लाल चौक, हरी सिंह हाई स्ट्रीट और जहांगीर चौक होते हुए टांकीपुरा में संपन्न हुई। शोभा यात्रा के आयोजक पवन चैतन्य दास ने बताया, हम पिछले 16 सालों से हर साल यह यात्रा और झांकी निकालते आ रहे हैं, लेकिन घाटी में उथल पुथल के कारण इसे रोक दिया गया था, परंतु अब यह फिर से शुरू हो गई है। उन्होंने जुलूस निकालने में सहयोग करने के लिए कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हम कश्मीर में लोगों की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई सद्भाव से रहे, क्योंकि खून खराबे से कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी ओर प्रभा साक्षी से बात करते हुए भक्तों ने कहा कि आज भगवान राम का जन्म है और कश्मीर में इस दिन को हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ उत्साह और आनंद के साथ मनाते हैं। सभी ने कहा कि हम भगवान राम से घाटी में शांति और समृद्धि लाने की प्रार्थना करते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय। रामनवमी की शोभा यात्रा पिछले सोलह सालों से निकाल रहे हैं। ये हमारे गुरु महाराज, हमारे प्रभुपाद जी की कृपा से ही हो रहा है। उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया इस राम नाम और कृष्ण नाम का, क्योंकि राम कृष्ण में भेद नहीं है। तो जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। हमारा जो रूट है, जो 16 सालों से पहले हमारे इस मंदिर जैंदर मला टैंकीपुरा नियर डीसी ऑफिस के बाद हम यहाँ से हब्बा कदल जाते हैं, हब्बा कदल से बरबरशाह, फिर करालखोड, रामचंद्र मंदिर, और वहाँ से होते हुए रीगल चौक, लाल चौक, लाचों से हरी सिंह हाई स्ट्रीट से होते हुए फिर हम टैंकीपुरा और वापस मंदिर की तरफ आते हैं। हम यही कहना चाहेंगे, सबका भला हो। राम जी सबको आनंद देने वाले हैं। आनंद कोई दे सकता तो श्री राम है। तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि सबका भला हो और सबका भाईचारा कायम रहे। यही हमारी भगवान श्री राम जी से प्रार्थना है। हम कल सुबह बॉम्बे आए, फिर हम लोग अष्टमी थी तो दुर्गा माता मंदिर गए थे, तो वहाँ पे इस्कॉन वाले कीर्तन कर रहे थे, तो हमको पता ही नहीं था कि श्रीनगर में इस्कॉन का मंदिर है। फिर जैसे इस्कॉन वालों से संपर्क हुआ तो कल हम शाम को यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। फिर हमको बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत शांति है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। फिर हम लोग यहाँ पे आज आए और यहाँ पे यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, भगवान राम जी की मेहरबानी है कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली। और उनका संदेश चाहिए कि सबको भाईचारे से साथ में रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक मंत्र है जिसके थ्रू आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इंसान का जीवन का लक्ष्य यही है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो सबसे यही दुआ है कि सब लोग मिलजुल कर साथ में रहें, अच्छी सद्भावना से व्यवहार करें, और बस इसी तरह भगवान राम के कीर्तन करते करते इस जीवन का अंत हो, यही भगवान से इच्छा है। क्योंकि आदर्श राम जी जो थे वो आदर्शवादी थे, ठीक है। तो ये इस वजह से ये मनाया जाता है। और इसको आप मान लीजिए कि अधर्म पर धर्म की विजय जो रामचंद्र जी ने किया, ठीक है। हम ये कई दिनों से लगे हुए हैं और कश्मीर के अंदर तो ख़ास तौर से इसका महत्व और ज़्यादा है, जैसा कि आप जानते हैं। तो लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ के लिए और पूरे विश्व में इसका संदेश जाना चाहिए। हर किसी को इसको मनाना चाहिए और मनाते हैं। जो नहीं मनाते हैं उनको भी मनाना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।